हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र मुजीद्रा स्वागत करता हूं आपका गुजराती चेस चैनल, जिसका नाम है गुजराती चेस जोन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बोर्ड का सेटअप कैसे होता है, पीसेस कैसे सेट करना है और पीसेस की वैल्यू क्या है, पीसेस चलते कैसे है। और दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि कैसलिंग के रूल्स क्या है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चेक, चेकमेट और स्टेलमेट। ये तीनों डिफरेंट चीज है जो गेम का एंड होता है, चेकमेट या तो फिर स्टेलमेट। दोस्तों, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर चेकमेट होता है तो कोई एक प्लेयर गेम हारता है और जिसने चेकमेट किया है वो गेम जीत जाता है, लेकिन अगर स्टेलमेट होता है तो दोनों में से किसी प्लेयर को जीत का मौका नहीं मिलता, दोनों को हाफ हाफ पॉइंट मिल जाता है और गेम हो जाती है ड्रॉ, मतलब कोई जीता नहीं है और कोई हारा नहीं है। तो आज देखते हैं हम चेक, चेकमेट और स्टेलमेट क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए चेक। चेक का मीनिंग है अटैक द किंग। आप कोई भी पीस से जब किंग के ऊपर अटैक करते हो तो उसे कहते हैं चेक। आपको खेलते समय ध्यान रखना है, चेक कभी बोलना नहीं है। चेक आप कोई भी पीस से दे सकते हो, क्वीन, बिशप, रूक या नाइट या इवन पॉन से भी। सिर्फ किंग चेक कभी नहीं देता, क्योंकि किंग तो किंग के बाजू में आ ही नहीं सकता, और किंग अगर किंग के बाजू में आपने रख दिया तो इल्लीगल मूव हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से पीस कैसे कैसे चेक देते हैं। मानो कि हमारा रुक इधर पड़ा है तो हम व्हाइट रुक से अभी रुक B8 पे रखेंगे, तो स्लीपिंग में अभी हम रुक से किंग को मार सकते हैं। इसका मतलब हमने किंग पे अटैक किया तो यहाँ पे हो गया दोस्तों चेक। रुक दूसरी जगह से आप स्टैंडिंग से भी अटैक कर सकते हो, तो यहां से अगर आप अटैक करते हो तो ये भी होता है चेक। तो ये रुक के दो जगह से चेक ऑलवेज आते हैं। और उसके बाद देखते हैं नाइट कर्न किन जगह से चेक दे सकते हैं। तो नाइट भी हमेशा दो साइड से चेक दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे नाइट पड़ा है 1, 2 and half। नेक्स्ट मूव में यहाँ पे नाइट अटैक कर रहा है, इसका मतलब अभी हो गया है चेक। अब हम इस साइड से भी देखते हैं 1, 2 and half, तो 1, 2 and half, तो यहाँ भी अटैक हो रहा है, तो दोस्तों ये भी हो गया है चेक। तो नाइट का चेक, बिशप सिर्फ स्लॉट में चेक दे सकता है और बिशप सिर्फ तभी चेक दे सकता है जब सामने वाले का किंग उसी के कलर में हो। मतलब हमारे पास अगर व्हाइट स्क्वायर का बिशप है तो सामने वाले का किंग भी व्हाइट स्क्वायर में होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हम बिशप B5, यहाँ पे हो गया चेक। हम इस साइड से भी चेक दे सकते हैं बिशप से, बिशप H5, तो यहाँ पे बिशप भी दो जगह से चेक दे सकता है। दोस्तों पॉन का चेक तो एकदम इजी है, एक स्टेप चलाओ और किंग पे क्रॉस में अगर पॉन आता है तो सीधा हो जाता है, जैसे ये चेक। अब देखते हैं क्वीन के चेक। तो दोस्तों सबसे ज्यादा चेक क्वीन दे सकती है, क्योंकि बहुत सारे जगह से किंग पे अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जहाँ पे कहाँ से हम क्वीन से अटैक कर रहे हैं। तो जैसे कि क्वीन को यहाँ रख दिया तो स्लीपिंग में हो गया अटैक, यहाँ पे रखा तो क्रॉस में हो गया अटैक, यहाँ पे रखा तो यहाँ से चेक, इस साइड रखा तो यहाँ पे चेक, यहाँ पे भी अटैक कर सकते हो, यहाँ रख के भी चेक दे सकते हो, यहाँ रख के भी, इवन यहाँ और यहाँ, यहाँ बहुत सारे चेक है दोस्तों। देखा आपने क्वीन से कितनी जगह से आप अटैक कर सकते हो, इसीलिए क्वीन सबसे पावरफुल पीस है, चेस में सबसे स्ट्रॉन्ग पीस है क्वीन। अगर आपकी क्वीन चली जाती है तो आप मेंटली लॉस हो जाते हो। अब देखते हैं चेक मेट क्या है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चेक बचने के रास्ते कितने होते हैं और कौन से कौन से। तो जब भी किंग के ऊपर अटैक आता है, इसका मतलब है जब भी चेक होता है तो आपको कंपलसरी चेक सेव करना होता है। अगर आपने चेक सेव नहीं किया तो वो होती है इल्लीगल मूव। तो सबसे पहला रास्ता है मूव द किंग। जब भी आपके किंग के ऊपर अटैक होता है तो पहले रास्ता है मूव द किंग, यानी किंग को कोई भी दूसरी सेफ जगह पे आप हटा के चेक सेव कर सकते हो। मानो कि अभी रुक ने H8 से चेक दिया है, अब ब्लैक का टर्न है, उसे किंग मूव करके ऐसे चेक सेव कर सकते हैं जहां पे कोई अटैक नहीं है। अब दूसरा रास्ता देखते हैं दोस्तों। दूसरा रास्ता है ब्लॉक एनी अदर पीस, मतलब कोई पीस बीच में डालना, ब्लॉक करना। तो यहाँ पे हम कोई भी पीस, ब्लैक का और पीस यहाँ पे है अगर, तो देखो आप बिशप को F8 पे लाके
उसे ब्लॉक करके चेक को सेव कर सकते हो। अब रुक आपके किंग को नहीं मार सकता क्योंकि बीच में आपका बिशप रख दिया, इसलिए चेक ब्लॉक हो गया है। तो ऐसे भी आप अपने किंग को सेव कर सकते हो। अब देखते हैं तीसरा रास्ता जहाँ पे लिखा है कैप्चर। तो यहाँ आप कैप्चर का मतलब है किल कर दो, जिसने अटैक किया है उसे मार दो। तो यहाँ पे रुक ने चेक दिया है, तो आप अपने पीस से जैसे कि नाइट से रुक को मार के भी अपना चेक सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये है तीन रास्ते चेक सेव करने के। अब हम देखते हैं चेकमेट क्या है। तो चेकमेट यानी किंग के ऊपर जब भी अटैक होता है और आप किंग बचा ही नहीं सकते हो तो वो पोजीशन होती है चेकमेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे चेकमेट, जैसे कि अगर आपके पास ये सिचुएशन है और अब देखो दोस्तों मैं आपको एक चेक देके बता रहा हूं। जैसे कि हमने व्हाइट बिशप से अभी किंग के ऊपर अटैक किया, अब हम किंग सेव करने के तीन रास्ते जो मैंने बताए हैं वो अगर यूज नहीं कर सकते तो इसका मतलब हो गया चेकमेट, क्योंकि व्हाइट ने उसे चेक दिया है, अटैक किया है। अब देखते हैं किंग कहीं मूव कर सकता है, तो यहाँ हम मूव करने जाएंगे तो यहाँ पे बिशप का और किंग का और ये रुक का तीनों का अटैक है, मतलब यहाँ तो किंग जा ही नहीं सकता। तो अब हम साइड में चलने जाएंगे तो साइड में सेफ स्क्वायर नहीं है उसके लिए क्योंकि रुक का अटैक है। तो यहाँ पे किंग तो हम बचा ही नहीं सकते, मतलब चला के भी नहीं बचा सकते, या तो कोई पीस बीच में लाना है। तो ब्लैक का और ऐसा कोई पीस नहीं है जो ये दोनों के रास्ते में बीच में कोई रख सके हम, तो ब्लॉक भी नहीं कर सकते। और कैप्चर जिसने चेक दिया है, इसने चेक दिया है तो इसे हम किसी से अभी मार नहीं सकते। तो दोस्तों ना तो हम मार के सेव कर सकते हैं या किंग को मूव करके सेव कर सकते हैं या फिर कोई पीस बीच में ला के सेव कर सकते हैं। तो ये तीन रास्ते में से कोई भी रास्ता हम यूज करके सेव नहीं कर सकते, इसका मतलब हो गया है चेकमेट, क्योंकि चेक भी है, ये चेक भी है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि स्टेलमेट में चेक नहीं होता। तो देखते हैं स्टेलमेट क्या होता है। चेकमेट में गेम विन हो जाते हैं, स्टेलमेट में ड्रॉ होता है। स्टेलमेट सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों को आता नहीं है, बिगिनर्स और बहुत क्लासेस में जाते हैं तो भी इतना समझ नहीं आता है कि स्टेलमेट क्या है। तो आज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ स्टेलमेट के बारे में। जैसे मैंने बोला था चेक है और चेक नहीं है, इसमें बहुत डिफरेंट है। स्टेलमेट में चेक नहीं होता और मुंह खत्म हो जाती है, उसी को बोलते हैं स्टेलमेट। इन दिस सिचुएशन अभी देखो यहाँ पे ब्लैक का चांस है खेलने का। दोस्तों आप देख सकते हो कि ब्लैक का किंग कहीं भी मूव नहीं कर सकते हम, और कहीं भी जब किंग मूव नहीं कर सकते इसका मतलब हुआ मेट तो है, लेकिन कौन सी मेट है, चेकमेट है या स्टेलमेट। तो यहाँ पे देखो चेक नहीं है, व्हाइट ने चेक नहीं दिया है और यहाँ पे किंग के पास जगह भी नहीं है, तो चेकमेट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि चेक होना चाहिए चेकमेट में। तो यहाँ पे चेक नहीं है और किंग मूव नहीं कर सकता, इसका मतलब है ये स्टेलमेट है। तो इतना याद रखो स्टेलमेट में सामने वाले के पास कोई भी मूव नहीं होती तब हो जाती है स्टेलमेट। कोई भी मूव, मेरा शब्द खास सुनना बरोबर, मैं बोल रहा हूँ कोई भी मूव, यानी ऐसा नहीं कि खेल सिर्फ किंग की, आपके पास अगर कोई और भी मूव है तो भी स्टेलमेट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक खुश हो जाता है कि चलो गेम स्टेलमेट हो गई और गेम ड्रॉ हो गई, वो तो हारने वाला था और अभी स्टेलमेट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, व्हाइट ने उसे एक चांस दिया है मूव करने का। आप देख सकते हो ब्लैक अभी उसका पॉन चला सकता है, तो इसका मतलब स्टेलमेट नहीं है क्योंकि वो अपना पॉन चला सकता है। ध्यान रखो मेरे वर्ड्स आप खास सुनो, स्टेलमेट में कोई भी मूव नहीं है, कोई भी मूव यानी कोई भी मूव नहीं होती है तब स्टेलमेट होता है, लेकिन कोई दूसरी भी मूव है तो स्टेलमेट नहीं है। यहाँ पे चेक भी नहीं है लेकिन मूव है ब्लैक के पास, इसलिए स्टेलमेट नहीं है। यहाँ पे अगर ब्लैक का पॉन इसकी बजाय A6 पे होता तो पोजीशन स्टेलमेट होती 100%, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक को कोई मूव नहीं है, ना तो पॉन चला सकते हैं और ना किंग चला सकते हैं और चेक भी नहीं है, तो ये होती है स्टेलमेट। दोस्तों क्लियर हो गया है स्टेलमेट और चेकमेट क्या है। मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए, मैं जल्दी से दूसरा वीडियो बना के आपके सामने पेश करने वाला हूँ। और मेरी चैनल अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक तो खास कीजिए, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप वन बाय वन देख सको। प्लेलिस्ट हिंदी की पूरी चैनल की प्लेलिस्ट मैं बनाने वाला हूँ, तो आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो अब आने वाले हैं।
तो जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात।